जिन लोगों को ये लगता है कि CTET एग्जामिनेशन में जो धांधली है वो सिर्फ प्राइवेट एग्जामिनेशन सेंटर को मैनेज करके किया जा रहा है, या प्राइवेट एग्जामिनेशन सेंटर है कम पैसे पर बिक जा रहा है और वहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, तो ऐसा नहीं है। सेंट्रल लेवल पर भी गड़बड़ी है। देखिए, सर्वर हैक हो रहा है, CTET परीक्षा केंद्र का सर्वर हैक, CBSE ने दिया जाँच का आदेश। और जो सर्विंग कंप्यूटर होता है, जो सर्वर होता है, ऐसा नहीं कि कोई एक जगह पर, वो कई जगहों पर लगाया होगा इन लोगों ने रीजन वाइज। अब कहाँ से कौन हैक कर रहा है, कितनी जगह पर एक्सेस किया जा रहा है सर्वर को, इसका कोई अता पता नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ऑनलाइन बहुत वल्नरेबल होता है। और आप खुद सोचिए कि जब एग्जामिनेशन में इतनी धांधली होगी तो मेरिट का क्या महत्व रह जाएगा, मेरिट का क्या वैल्यू, क्या आप कह सकते हैं कल को कि CTET में जिसके स्कोर कार्ड में 120 नंबर है, 125 नंबर है, वो मेरिटियस ही है? वो तो डाउट की नज़र में दो चीज़ें होंगी फिर वैसे कैंडिडेट के लिए, या तो वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज़ है, या तो फिर बहुत बड़ा चोर है। तो आज की जो सिस्टम है, और मेरिट को डैमेज करने में सिर्फ इस जो बेईमान लोग हैं, जो सेटिंग वाले, धांधली वाले लोग हैं, सिर्फ इनका ही रोल नहीं, एक और कारण है जो मैं बोलना नहीं चाहता, जिस चक्कर में मेरिट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है आज के टाइम पे। लेकिन ये जो धांधली है एग्जामिनेशन में, गड़बड़ियाँ हैं एग्जामिनेशन में, इस पर भी लोगों का ध्यान ज़रूर रहना चाहिए। और आजकल ये चीज़ बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, पहले ये चीज़ इतना बड़े पैमाने पर नहीं हुआ करता था। आजकल हर कोई अपना प्राइवेट एग्जामिनेशन सेंटर खोलने की कोशिश में है, पटना में आप देख लीजिए, और सबका नज़र धांधली पर है। जो 100-200 रुपए मिलते हैं हर एक कैंडिडेट का एग्जामिनेशन करवाने का, उससे किसका पेट भरता है? सबको लाखों में चाहिए ताकि धांधली हो और पैसा ज़्यादा आए। खैर, ये वाली खबर एक दिन पुरानी है, लेकिन मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, आपके स्क्रीन पर अभी देखिए, स्पेशल TET/STET की बात हो रही है। उर्दू, फारसी, अरबी में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विशेष TET/STET, ये थोड़ा बेवकूफ़ी वाली बात है। उर्दू बंगला TET जब हुआ था, उसका रिजल्ट निकाला गया, सक्सेसफुल डिक्लेयर किया गया, उसके बाद कई लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया दोबारा रिजल्ट डिक्लेयर करके। उसके अलावा उर्दू में क्या किया गया कि 50 नंबर का पहले उर्दू कंपलसरी होता था प्राइमरी में, उसको 100 नंबर कर दिया गया। जब 50 नंबर का उर्दू था तब तो कैंडिडेट मिलते नहीं थे, सीटें भरती नहीं थी। अब जब 100 नंबर का कर दिया, जो ड्राफ्ट वायरल हुआ था नियमावली का पीछे, उसके अंदर 100 नंबर का उर्दू था, तब कहाँ से मिलेगा? तो इस तरह की खबरें बस बेकार की, अखबार वालों को कुछ ना कुछ मसाला चाहिए होता है और छाप देते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। और फारसी और अरबी के तो पढ़ने वाले लोग ही बहुत कम हैं, और अगर उर्दू के लिए सरकार सीरियस है तो उसके लिए एक प्रॉपर प्लान चाहिए। ऐसे अखबार में छपवाने से कुछ नहीं होगा, और पीछे जो कुछ हुआ उर्दू TET के साथ, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ओवरऑल इस खबर पे बस एक उम्मीद, अखबार में कोई पढ़ता है तो एक उम्मीद जगती है, बस ये उम्मीद ही है, बाकी देखते हैं आगे चले क्या होता है। तो अभी के लिए ये सारी चीज़ें हैं, और अखबार में आज के और कोई दूसरी काम की खबर नहीं है। अभी के लिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।